रात देर गए से सरहद पर गोलाबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि बैनुल अक्वामी सरहद पर जहां पर हलचल थी, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फौज की कार्रवाई हुई है। खोड़ जम्मू में अखनूर का इलाका जहां पर 3 दरअंदाज हलाक करने का फौज की तरफ से दावा किया गया है, यहां पर देर रात एनकाउंटर हुआ है और फौज ने एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने का दावा किया है जो सरहद पार से बनाया गया था। और दरअंदाजों की लाशें सरहद पर पड़ी हैं, पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तानी रेंजर्स ने अभी तक इन लाशों को नहीं उठाया, जो फौज का बयान बताता है। और इस बयान के मुताबिक खोर का वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर दरअंदाजी के ज्यादा वाकयात न सिर्फ रोनमा हुए बल्कि आर पार भी भारी शेलिंग के बीच आम जिंदगी यहां पर काफी मुतासिर होती है। इस बीच 3 लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी करते वक्त पाया गया, जिसके बाद उन्हें रुकने का इशारा दिया गया, चैलेंज किया गया, लेकिन न रुकने पर फौज की तरफ से फायर ओपन किया गया। और इस बीच सरहद पार से शेलिंग भी हो रही थी, इसी शेलिंग के बीच जवाबी कार्रवाई हुई जब 3 लोगों को मार गिराने का दावा फौज की तरफ से किया गया। और शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ शायद फौज के अहलकार भी, चार जवान जख्मी हुए हैं। इसमें चारों जवानों को आर्मी अस्पताल लाया गया है जहां पर उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और कल रात से ही लगातार इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है। रात देर गई की खबर है, ये अखनूर का इलाका है जहां पर सरहद के पास जबरदस्त गोलाबारी हुई है, फायरिंग हुई है और बाद में फायरिंग के दौरान इस बात का पता लगा है कि दरअंदाजी की कोशिश के लिए फायर को खोला गया था, ताहम जवाब दिया गया है। ताहम इस फायरिंग के दौरान सरहद पर जो गोलाबारी हुई है उसमें 4 लाशें जो हैं वो जीरो लाइन पर इस वक्त पड़ी हुई थी। रात देर गए तक उन लाशों को नहीं उठाया गया था, इस तरीके की इतलात जो थी वो मिल रही थी। ताहम इस फायरिंग के दौरान 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही थी, आर्मी जवानों के जख्मी होने की खबर आ रही थी, जिन्हें रात देर गए ही अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहां पर उनकी हालत मुस्तकम और बेहतर बताई जा रही है। और साथ साथ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये जिला सांबा, कठुआ और इसके आसपास के इलाकों की, क्योंकि 24 से 48 घंटों के बीच यहां पर भी बड़े पैमाने पर फौज, पुलिस और बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन सरहदी इलाकों में शुरू किया गया था मशकूक नकलो हरकत के बाद। तो उसी एरिया से मुतसिल इलाका है, आप देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक्वामी सरहद जम्मू सूबे में एक जगह आती है, यानी दोनों टच करती हैं। उस एरिया में एक तरफ सर्च ऑपरेशन तो दूसरी तरफ देर रात यहां पर गोलाबारी की भी इत्तला मौसूम।